नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के स्ट्रीम में। मैं हूं अभिनव। भारतीय टीम कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। वहीं भारतीय टीम कल से थोड़े अलग अवतार में नजर आने वाली है। जी हां, भारतीय टीम की जर्सी को बदल दिया गया है। लगभग सारे विश्व कप से पहले हमने देखा है कि भारतीय टीम के लिए एक नई जर्सी को लॉन्च किया जाता है। इस परंपरा को इस बार भी निभाया गया। हालांकि भारतीय टीम की जर्सी हमेशा ब्लू कलर में ही आती है, बस वो या तो लाइट ब्लू हो जाती है या फिर डार्क ब्लू। तो 2021 में हुए T20 विश्व कप से पहले जहां भारतीय टीम की जर्सी डार्क ब्लू कलर में आई थी, तो वहीं इस बार लाइट ब्लू कलर में आई है। वहीं जर्सी पर जो प्रिंट है वो भी काफ़ी अलग है पहले से। इस बार का कंधे से लेकर पूरे हाथ पर डार्क ब्लू कलर का प्रिंट होगा और सामने पूरी लाइट ब्लू होगी। वहीं पैंट का कलर भी लाइट ब्लू ही होगा, जो कि टी शर्ट के साथ मिलता जुलता रहेगा। वहीं टी शर्ट पर बाईं तरफ BCCI का लोगो होगा, जिसके ऊपर 3 स्टार बने हुए, जो कि भारतीय टीम के विश्व कप जीत को दर्शाता है। भारत ने अब तक 3 बार विश्व कप अपने नाम किया है। पहला विश्व कप 1983 में पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव की कप्तानी में भारत ने जीत हासिल की थी। दूसरा विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 फॉर्मेट का पहला विश्व कप 2007 में अपने नाम किया था। और तीसरा विश्व कप 28 साल बाद भारत ने 2011 में जीता था, और वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो भारत 2022 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले एक नई जर्सी में नजर आने वाली है। हालांकि वो अब जो भी मुकाबले खेलेगी उसमें भी भारतीय टीम के खिलाड़ी नई ड्रेस में नजर आने वाले हैं। ड्रेस लॉन्चिंग के वक्त भारत के कप्तान रोहित शर्मा, भारतीय वुमेन्स टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह मौजूद थी। तो देखना है कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप में एक नई जर्सी और एक नए कप्तान के साथ विश्व कप जीत पाती है या नहीं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।